फ्रेंड्स, मैं हूं फाइनेंशियल ज्ञान और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे खुशी में आज डबल कर दूंगा। बहुत रिक्वायरमेंट थे आपके सर, कमर्शियल व्हीकल में ज्वाइन करें या पर्सनल व्हीकल में ज्वाइन करें, कई जगह एक होता है लेकिन बहुत जगह अलग होता है। मैं चोला मंडलम की बात कर रहा हूँ, महिंद्रा की। बाकी श्रीराम में तो ये फील्ड होता है, उसमें आपको सब करना पड़ता है। तो मैं धीरे धीरे आपको मैं बता दूंगा कि हर कंपनी में किस में क्या मार्जिन है और किस में क्या मार्केट है, ठीक है। तो देखिए, कमर्शियल व्हीकल पहले क्या होता है। कमर्शियल व्हीकल जिसको हम कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें पीली बत्ती लग गई, पीली नेम प्लेट लग गई, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक भी हो। बाइक में भी पीली लग, बाइक भी आज करंट पे यूज़ हो रहा है ना, तो पीली लग गई, टैक्स भरना पड़ गया, वो हो गया कमर्शियल व्हीकल। जहाँ पीली नहीं लगी, वाइट है, वो हो गया पर्सनल व्हीकल, ठीक है। अब सैलरी दोनों में सेम है, ठीक है। सैलरी आप स्टार्ट करेंगे, कहीं पर जाएंगे तो 15, 14, 20, 21 एज ए फ्रेशर आपको मिलेगा एज ए ग्रेजुएट बेस पे, ठीक है। ये एज ए मैं सेल्स फील्ड ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये सैलरी मिल गई और इंसेंटिव मिला के आपको एज ए फ्रेशर 25 से 30 हज़ार रुपया आप कमाएंगे, ठीक है। लेकिन काम दोनों बेस्ट है। देखिए, कमर्शियल व्हीकल में दिक्कत, कमर्शियल व्हीकल में प्रॉफिट ये है कि आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जिससे आप आसानी से बात कर सकते हो। आपके कस्टमर कौन से होंगे? ट्रक ड्राइवर्स होंगे, ठीक है, पिकअप वाले होंगे, ठीक है, जो टैक्सीज वैक्सीज यूज़ करते होंगे, ये होंगे आपके कस्टमर, जिससे आप एक फ्रेंकली एक अच्छे से बात कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपके ऊपर अकड़ेंगे नहीं। लेकिन पर्सनल व्हीकल वाले पैसे वाले हैं, पर्सनल कार खरीद रहे हैं, है ना, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख कार खरीद रहा है, तो थोड़ा एटीट्यूड उनमें रहता है, ठीक है। तो पर्सनल व्हीकल में आपको अदर इनकम निकालने में, सैलरी को छोड़ के निकालने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। दे दिए खुशी से मिलने, लेकिन कमर्शियल व्हीकल में आदमी देता ही देता है, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं। एक बार हिंट कर देना सर मिठाई के लिए कुछ कर दिए तो वो देगा ही देगा, क्योंकि आप एक किसी का बिजनेस खुलवा रहे हो, उससे वो पैसे कमाएगा। पर्सनल व्हीकल तो क्या शौक के लिए कर रहा है ना, वो दे ना दे कुछ नहीं है ना। लेकिन कमर्शियल व्हीकल से तो बिजनेस करेगा, उसका फ्यूचर है, उतना कितने सारे ख्वाब देखे होंगे कि ये मेरे को मिल जाएगी तो मैं वो ये करूँगा, घर बनाऊँगा, मैं लाइफ बनाऊँगा, कुछ कमाऊँगा। तो वहाँ पर आप बोलेंगे सर मुझे मिठाई के लिए कुछ चाहिए, तो वो आपको ऑटोमेटिक दे देगा प्रॉफिट। और उसमें और आपके मार्केट में आपको जाना है, कहाँ जाना है बताता हूँ। पर्सनल व्हीकल है तो आप सीधा जाइए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, इन लोग के पास जाइए, डीलरशिप पॉइंट में आप जाइए, ठीक है। आपकी कंपनी पे आउट करती है, पहले ये पता कर ली, पे आउट करती है तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर डीलरशिप पॉइंट का जॉब मिल गया तो बहुत अच्छा है। ये जो महिंद्रा की हो गई या फिर टाटा की हो गई, मारुति की हो गई, जो डीलरशिप पॉइंट हो गया खुद का, उनमें बहुत बढ़िया है, ठीक है। उनमें बैठे बैठे आपको मिल जाएगा केस, ठीक है। और कमर्शियल में व्हीकल के लिए आपको टारगेट करना है टैक्सी स्टैंड, दलाल लोग, है ना, ये लोग, ये कमर्शियल व्हीकल टैक्सी स्टैंड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, जहाँ भी जो रेंट पे गाड़ी देते हैं उनको, ठीक है, ये सब जगह आपके शहर में घूमेंगे जो रेंट पे गाड़ियाँ देती हैं, ट्रकेस हो गई, ये सब जितने भी कमर्शियल, जहाँ पीली लग गई वो हो गया कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। इसमें अगर आपको ज्वाइन करने बोलूँ कि आप कहाँ ज्वाइन करें, तो आपने पहले आप अपने शहर के देख लीजिए, आपके शहर में किस टाइप का लोग, किस टाइप मार्केट में क्या है। आपकी कंपनी में जैसे हमारे इधर गिट्टी खदान है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है, टिप्परी पर बहुत चलता है। आपके यहाँ भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो आप कमर्शियल में जाइए, ठीक है। अगर आपके यहाँ गवर्नमेंट जॉब वाले बिजनेसमैन लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना, कोई खदान मदान नहीं है, कोयले का, पत्थर का, लोहे का कुछ नहीं है आपका, हमारे यहाँ लोहे निकलता है ज़मीन से, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट चलता है, ठीक है, तो हैं, तो ये लोग फिर आपसे पर्सनल लेंगे, ठीक है। तो आप पहले मार्केट सर्च कर लीजिए कि आपके आपके एरिया में क्या चीज़ है, कुछ ज़मीनी कुछ निकल रहा है दुनिया है, दोनों में ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं कमाई की बात करूं तो मज़ा और टेंशन फ्री जॉब आपका रहेगा कमर्शियल व्हीकल में। पर्सनल व्हीकल के जो रहते हैं इड़े कस्टमर रहेंगे, उनको फटाफट चाहिए फटाफट, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट क्लियर, अच्छा सब कुछ अच्छा रहता है। और जो ये कमर्शियल व्हीकल वाले हैं वो एक छोटे से लोग रहते हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं जो वो भी, लेकिन वो छोटे से बने होते हैं। और कमर्शियल व्हीकल में सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, कोई ये बैंक, कोई कहाँ यहाँ का मैनेजर है, कोई उसका 10
तो बिजनेस सोर्स करिए, तो ये लोग आपसे लेंगे पर्सनल व्हीकल। तो ठीक है, दोनों में कोई बुराई नहीं है, दोनों में आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की सैलरी मैं आपको बता दिया, दोनों का फील्ड वर्क है और दोनों जॉब बेस्ट है। आपको क्या सूट करता है, आप एक अच्छे से बात कर सकते हैं कमर्शियल व्हीकल वाले से, नहीं पर्सनल व्हीकल वाले से, या फिर आप फ्रीली बात करना चाहते हैं कमर्शियल व्हीकल से, क्या भाई क्या भाई क्या ले रहा है, क्या टैक्सी उठा रहा है, टैक्सी ने मतलब पिकअप उठा ले यार, ऐसे मतलब दोस्ती यारी हो गई, इस टाइप का बात, इस टाइप के लोग मिलेंगे है ना, साथ में ये भी अलग मिलेंगे आपको, ये भी कराएंगे आपको। ठीक है, और कमर्शियल व्हीकल में आपको ये सब बिल्कुल नहीं, या फाइल साइन कराओ, जो डॉक्यूमेंट मांगे मांगे, घर हो सके तो घर में भी नहीं घुसाएगा वो, सामने सामने होगा जो कुछ होगा, एक वो बात होगा। ठीक है, कस्टमर का आईडी आईडी जो भी रहेगा ले लेना, और फ्यूचर दोनों में है, और दोनों का भी, तो कमर्शियल कभी जाएगी नहीं, बिना कमर्शियल गाड़ी के सब्जी दूध पानी कहाँ से लगा, रॉबर्ट लेके आएगा क्या, कि प्लेन से फेंकेंगे ऐसे ऐसे करके, तो सब्जी जो आज केला के रेट 50-60 रुपये चल रहा है, और उठाई 300-400 चल देगा। ठीक है, और पर्सनल व्हीकल आदमी कुछ ना कुछ करे, कुछ भी नहीं कर रहा है, अगर 20-30 हज़ार भी मंथली कमा रहा है ना, तो एक कार वो ज़रूर ले रहा है, 10 हज़ार की कार मेंटेन कर रहा है, एक किसके तौर पे रुतबा, एक दिखावे के तौर पे कि हाँ हमारे पास कार है। तो दोनों का डिमांड बहुत है, US में हर एक आदमी के पास दो गुड़ो गाड़ियाँ होती है, और इंडिया में ये अभी आंकड़ा बहुत कम है। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बहुत शुक्रिया और शबक है मेरे दोस्तों।